सौ बात की एक बात यह कि मरीजों की टूटी टांग पर गत्ते का प्लास्टर दिखा रहा है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर पड़े हैं सरकारी अस्पताल। बिहार से जो तस्वीर आई, टूटी हुई टांग पर गत्ते का प्लास्टर लगाने की, वो कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई जगह हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसे ही हुआ था, जांच बैठा दी गई थी कि तब भी क्या हुआ जांच का, ये जांच बैठा देने से होता क्या है। तस्वीरें आने पर प्रशासन कह देता है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी वगैरह वगैरह, बस हो गया, इससे ठीक हो जाएंगे सरकारी अस्पताल। प्राइवेट में इलाज कराने के पैसे नहीं होते लोगों के पास, क्या चाह रहा है गरीब के पास अगर डॉक्टर गत्ते से टूटी टांग जोड़ रहा है तो कहां जाए वो, कोई एहसान कर रही है ये सरकारें ये अस्पताल चलाकर। कल देखा कि एक जगह चूहे घूम रहे हैं वार्ड में, आज देख रहे हैं कि टूटी टांग को गत्ते से जोड़ रखा है। इन अस्पतालों को जो चलाते हैं वो देखते नहीं क्या कुछ, उनको टीवी पर देखकर पता चलता है क्या कर दिया टूटी टांग के साथ, कैमरा देखकर ये कार्रवाई करते हैं तो यही करते रहे कि इनको दिखाते रहे कि यहां देखो ये हो रहा है, वहां देखो वो हो रहा है, इधर देखो चूहे घूम रहे हैं, उधर देखो टांग पर गत्ता बांध दिया है, ये खुद नहीं देखेंगे। और इनके पास अगर प्लास्टर नहीं था इसलिए गत्ता बांध दिया तो ये कौन देखेगा कि प्लास्टर नहीं है अस्पताल में, कौन देखेगा कि दवाएं नहीं है, कौन देखेगा कि सफाई नहीं हो रही है, पब्लिक देखेगी, कंप्लेंट होगी तब देखेंगे। या सबको पता है कि सिस्टम की टांग टूटी हुई है, इनको डर क्यों नहीं लगता पब्लिक से, क्योंकि इनकी नौकरी तो चलती रहती है ना। जनता जब सिस्टम पर गुस्सा निकालती है, नेताओं को गाली देती है, इनका क्या जाता है, जांच वांच होती है तो वो भी कोई सरकारी अफसर ही जांच करता है, कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी विभाग की जांच करता है तो किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की गलती बता देता है, संसाधनों की कमी टाइप की बातें करके बात खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो प्राइवेट में चले जाते हैं, वहां अलग धांधली चलती है, क्योंकि प्राइवेट वाले को भी पता होता है कि सरकारी का जो हाल है उसको देखकर प्राइवेट के चंगुल से कैसे निकलेगा मरीज, क्योंकि मरीज तो गरीब है। चुनाव आते हैं तो अब गरीब भी हर महीने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ही लेने पर वोट देने लग गए, या बिजली सड़क पानी मांग लेते हैं बस, क्योंकि बिजली सड़क पानी तो रोज चाहिए होती है, अस्पताल तो मुसीबत पड़ने पर चाहिए होता है, वो बीमारी वो मुसीबत कौन याद कर रहा है चुनावों में। हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वोट दे देंगे तो सब बंद ही कर दें, भैया सब बंद कर दें क्या, फिर इन सरकारी कर्मचारियों को हटा दें और इनकी तनख्वाहों और विभाग चलाने का जो खर्चा आ रहा है वो सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल दें, क्या करें जांच वांच क्यों करें ये सब खर्चा, अगर टूटी टांग को गत्ते से ही जोड़ना है गरीब को तो हो जाते हैं आत्मनिर्भर, काहे रखा हुआ इनको। शर्म नहीं आती हमें गत्ते का प्लास्टर देखकर, सिस्टम की टांग तोड़ रखी है इन्होंने। सौ बात की एक बात।